नमस्कार, मैं स्वादीप आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे हिल स्लैब में। और आज हमने बहुत सारा के मुद्दे पर हमने बात किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान पर काफ़ी लोगों का जो एक मानसिक जो है, लोगों का जो दिल में, लोगों का दिमाग में काफ़ी ऐसा प्रेशर हुआ, जहां काम का वजह से किसी को अपने घर का समस्या का वजह से, किसी को रोजी रोजगार कमाने का वजह से काफ़ी सारा ऐसा इश्यूज है। मतलब जो किसी को भी एक हम लोग जो हमेशा कहते थे, लोग कहते थे कि सोच को मतलब एक डिप्रेशन में लेके जाते हैं, किसी का एक काम ना मिलने का वजह से भी किसी को दुख होता है, किसी को काम मिलके भी वो काम नहीं कर पाने का वजह से भी दुख होता है, और किसी का घर से ना निकल पाने का भी दुख होता है। बहुत सारा ऐसा इश्यूज है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत काकोटी, जो लोग हमेशा कहते हैं कि डिप्रेशन, उसका बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या करने से अच्छा होगा और क्या क्या इसका हाल हो सकता है, और इसका वजह से लोग किस हद तक भी जा सकता है, उसका बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला सर, आपको हमारे स्टूडियो में पहला अब आया है, हर हिस्से का स्वागत करता है। तो आपसे हम पहले वही जानना चाहेंगे सर, ये जो हम लोग कहते हैं कि काफ़ी ये स्पेशली ये लॉकडाउन के दौरान पे हमने काफ़ी सुना है कि हमें सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग कह रहा है कि आज मेरा घर से निकलना ना हुआ, मतलब कैसे वक्त गुजरेगा उसका, पसंद मतलब उसका जो मानसिक संतुलन वो हम लोग जो कहते हैं वो काम नहीं कर पाते, इस वक्त पहला वही क्या कहेंगे? एक्चुअली हम लोग का एक लाइफ जो हम लोग चल रहा था वो सडनली लॉकडाउन के वजह से हम लोग का रुक गया। तो क्या होता है, कोई के आदमी लोग ऐसा होता रहे, कोई के ये तो सहन लेता है और कहीं कहीं सहन नहीं पा सकता है। सो इसलिए क्या होता है, हम लोग का जो मन का जो हम लोग का मेंटल जो हम लोग बोलते हैं ना, वो तो डिस्टर्बेंस होता है, वो बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। कई कई आदमी लोग का ऐसा होता है, डर पैदा हो गया, कोरोना वायरस शायद हमको भी मिल जाएगा क्या, कोरोना वायरस ना हमको भी ही करेगा क्या, ये सब उनका डर पैदा हो रहा है। कोई कोई आदमी लोग का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग स्ट्रेस ले रहा है, इसके वजह से उन लोग का डिप्रेशन में चला जाता है। और कोई कोई का ऐसा होता है कि मैं रोज़ ऑफिस जा रहा था, सब लोग को मिल रहा था, सडनली मेरा वो बंद हो गया, तो वो अकेले मैंने महसूस उन लोग का होता है। और कोई लोग का ऐसा होता है, स्पेशली द स्टूडेंट्स एंड द अदर जो लोग मीन्स ज़्यादा से सोसाइटी में रहता है ना, उन लोग का क्या होता है, कभी कभी उन लोग का इजी से मैंने उसका गुच्छा भी आ जाता है उन लोग को, और किसी किसी का तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाता है। सो ये सब चीज़ जो होता है, इसके लिए हम ये लॉकडाउन के वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को थोड़ा धीरज रहना चाहिए, सोचना चाहिए ये सब चीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में वो मीन्स कहीं कहीं फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, वहाँ में क्या क्या कोई कोई फेक न्यूज़ भी आ जाता है। तो फेक न्यूज़ से क्या होता है, डर पैदा कर देता है। और कोई कोई आदमी लोग का ऐसा होता है ना, कोई कोई मेंटल बीमारी जो लोग हैं, जो लोग मेंटल इलनेस का बहुत दिन से ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन उन लोग का क्या हो जाता है, उन लोग का अगर ये लॉकडाउन का वजह से उन लोग का ट्रीटमेंट का ही नहीं होता है, वो तो बंद हो गया, तो उन लोग का क्या होता है, जो बीमार अंदर में था, जिसको दवा से उन लोग का मीन्स सप्रेस मीन्स उसको रिकवर कर रहा था, वो सडनली दवा बंद हो जाने के बाद वो भी निकल जाता है। सो ये सब चीज़ के लिए हम लोग को अभी हम लोग का यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हम लोग टेली काउंसिलिंग कर रहा हूँ। टेली काउंसिलिंग मीन्स हम लोग वीडियो कॉलिंग करके जितना पेशेंट क्वारंटाइन में रहता है, कोविड हॉस्पिटल में रहता है, उन लोग को हम लोग टेली काउंसिलिंग करके उन लोग का बता रहा हूँ। कोई हम लोग को ये देता हूँ, उन लोग को एडवाइस देता हूँ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये सब चीज़ जब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, अभी कभी कोई कोई जगह में तो आपको सुसाइड भी केस हम लोग को मिल रहा है। सो ये सब चीज़ क्या होता है, हम लोग को इसका जो हम लोग जो निगेटिव साइड इफेक्ट हो रहा है, उस निगेटिव साइड इफेक्ट को हम लोग क्या करना चाहिए, उसको हम लोग पॉजिटिव में बदलना चाहिए। सो हम लोग कैसे पॉजिटिव में बदलेंगे, तो हम लोग सोचना चाहिए, जे हम लोग डेली ऑफिस में हम लोग बिजी रहता हूँ,
फैमिली मेंबर का साथ हम लोग मिलना जुलना हम लोग का नहीं होता है, तो क्या करता है, अभी एक सुविधा है, एक टाइम है, हम लोग फैमिली मेंबर का साथ मिलो, हम फैमिली मेंबर का साथ दुए मान लोग बातचीत करो, और बच्चा के साथ भी हम लोग मिल नहीं सकता हूँ, उसको भी अभी क्या होता है, बच्चा लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग तो अभी व्हाट्सअप फेसबुक मीन्स मोबाइल में ही वो लोग बिजी रहता है। इसका एक तो निगेटिव साइड इफेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सब यूज़ करने से बाद में उसका एडिक्शन भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलता है नोमोफोबिया, जिस एंड मीन्स मोबाइल एडिक्शन। सो इसको भी माँ बाप ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम से कम यूज़ करो और बच्चा के साथ माँ बाप ज़्यादा मिलो, ये सब होना चाहिए। और दूसरा बात है कि हम लोग का घर में जो मीन्स हमारे बुजुर्गुंग है, जो बड़ा वाला है, जो मीन्स हम लोग का क्या बोलता है एल्डरली पर्सन्स लोग है, उन लोग का साथ भी अभी कोई कोई मीन्स उन लोग का भी थोड़ा ये लोनलीनेस भी उन लोग का आ रहा है, तो उन लोग का साथ अगर ग्रैंडसन ग्रैंड दादा उन लोग का साथ मिल जाए तो उन लोग का भी थोड़ा ये होता है, उन लोग का भी सहाय होता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। और दूसरा बात है कि एल्डरली पर्सन लोग को ना कभी कभी बहुत से आदमी है जिन लोग का शरीर में कोमोर्बिडिटी है मीन्स डायबिटीज है हाइपरटेंशन है, वो लोग कभी कभी क्या करता है सुबह सुबह निकल जाते थे मीन्स वहाँ में रास्ते में घूमने के लिए जाता है, तो वो अभी क्या कर सकता है, वो अपने ही घर में बरामदा में वो कर सकता है। उसका बाद कोई कोई दूसरा घर में भी काम पड़ा रहता है तो वो भी कर सकता है। और दूसरा बात, जो लोग ऑफिस में जाता था, जो लोग को टाइम नहीं मिलता था, सब उस हम लोग हमारा थोड़ा अधेरा हुआ, एक किताब में पढ़ रहा था वो हम आधा में छोड़ दिया, तो वो किताब भी निकाल के वो पढ़ सकता है। तो मीन्स जितना अनकम्प्लीटेड मीन्स वर्क्स है वो सब कर सकता है। तो ये सबसे यही होगा कि ये जो घर में रहने का जो मौका मीन्स अवेल करना चाहिए उसको, मीन्स और नहीं सोचा उसको निगेटिव नहीं लेकर उसको पॉजिटिव में लाना चाहिए, ये तो बहुत यह है। और दूसरा बात है कि जो मीडिया में हम बोला था ना, जो फेक न्यूज़ आता है वो बंद करके जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड जो मीडिया में ये होता है ना पब्लिश होता है ना वो सब देखना चाहिए। और उसका बाद हम लोग का पॉजिटिव का और एक बात है कि जो लोग एडिक्टेड टू एनी सॉर्ट्स ऑफ एल्कोहल जो एल्कोहल का मीन्स क्या होता है, जो अभी कोई कोई जगह में ऐसा भी हो गया लॉकडाउन का वजह से एल्कोहल वाइन शॉप बार शॉप बंद हो गया, तो जो लोग क्रोनिक यूजर है ना, जो लोग हम लोग बोलता है क्रोनिक एल्कोहलिक बोलता है, उन लोग का क्या होता है, एक तो सिम्टम निकलता है उन लोग का, हम विथड्रॉल सिंड्रोम बोलता हूँ, एल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम। तो वहाँ में क्या होता है, ये कभी कभी बहुत भयानक भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आदमी लोग मर भी सकता है, मतलब वो मेंटल को अपना खुद को कंट्रोल नहीं करता है। तो उन लोग को तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उन लोग को टेली काउंसिलिंग नहीं तो डॉक्टर का टेली काउंसिलिंग से उसको उन लोग का मीन्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जो लोग ये सब एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो लोग का नहीं हुआ मीन्स जो लोग एडिक्शन है लेकिन ये डेवलप नहीं हुआ, तो उन लोग भी एक मौका है उन लोग को छोड़ने के लिए, वो भी सोच सकता है। तो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो ये जो चांसेस बहुत अच्छा है, हाँ बहुत मीन्स हम लोग उसको पॉजिटिव में ला कर उसको ऐसा करना चाहिए। अच्छा। और दूसरा बात है कि हम लोग का जो कोई कोई आदमी लोग का तो नींद भी नहीं होता है, नींद नहीं होता है, तो नींद का तो हम लोग का कोई एक हम लोग बोलता है स्लीप हाइजीन वो मेंटेन करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए वो तो हम लोग को फ़ोन करने से हम लोग को हॉस्पिटल में आने से भी हम लोग उन लोग को एक हम लोग सलाह दे सकता हूँ से कैसे स्लीप हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और क्योंकि स्लीप से बहुत बीमार हो जाता है, क्योंकि आप अगर अच्छा स्लीप नहीं हुआ, अच्छा आपका नींद नहीं हुआ, तो आपका बहुत सा बीमार जैसे हाइपरटेंशन डायबिटीज़ ये सब आ सकता है, फिर भी स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाएगा, एंजाइटी भी ज़्यादा हो जाएगा। सो ये सब आपको कम करने के लिए अच्छा नींद होना चाहिए। और दूसरा बात है कि डाइट में क्या होता है, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये बीमार ऐसा है ना, ये बीमार में आदमी लोग पानी तो ज़्यादा पीना चाहिए,
क्योंकि अभी अगर अगर मेंटली स्ट्रेस होता है, मेंटली स्ट्रेस, क्योंकि बात यह है कि आप लोग को जो लोग आदमी लोग का मीन्स ये जो वायरस होता है ना, वो तो हम लोग का थ्रोट में लग जाता है ना, तो ज़्यादा पानी पीने से उसको हम लोग सफा कर सकते हैं। और पानी पीना चाहिए, उसका बाद विटामिन सी का, जैसे आप लोग ऑरेंज, नींबू, ये सब खाना चाहिए। उसका बाद प्रोटीनस डाइट खाना चाहिए। सो डाइट का बारे में भी आप लोग थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का डाइट, उसका विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसका बाद कोई कोई विटामिन डी भी खा सकता है, जिंक खाना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग खाना चाहिए। और दूसरा बात है कि हम लोग का खाना तो ये तो हो गया, और एक तो निगेटिव इफेक्ट हो रहा है ये लॉकडाउन के वजह से। हम लोग का क्या होता है सोसाइटी में, हम लोग अभी पर्सनल मैटर में था, अभी हम सोसाइटी में आ गए। सोसाइटी में अभी क्या हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो ज़्यादा हो रहा है। ये हम क्यों बोल रहा हूँ, इस स्टिग्मा क्यों बोल रहा हूँ, अब अभी कोई कोई आदमी लोग कोविड पेशेंट अच्छा होकर घर में जा रहा है, वो लोग गांव में चला गया, लेकिन गांव में ऐसे ऐसे हम लोग को भी फोन आता है, हम लोग को भी कॉल करता है बहुत आदमी लोग, कि उन लोग को गांव में उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करता है, एंट्री नहीं करना, एक्सेप्ट भी नहीं करता है। वो एक पेशेंट था जो मंदिर में जाने के लिए सोचा था, लेकिन मंदिर में जाने के लिए उसको मीन्स ये किया, बाधा किया। तो ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट हम लोग कब डिसार्ज देता हूँ, हम लोग एक पेशेंट डिस्चार्ज देता हूँ जब उसका स्वाब सैंपल सब निगेटिव आता है। तो उसको अगर उसका पास में उसका शरीर में सैंपल में उसका पॉजिटिव है तो वो संक्रमण कर सकता है, वो किसी को स्प्रेड कर सकता है। लेकिन उसका शरीर में अगर वो सैंपल स्वाब में निगेटिव आ गया, तो वो कभी भी डर करना नहीं चाहिए कि वो कम्युनिटी पे स्प्रेड करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही वो 14 दिन नहीं तो 7 days 8 days 9 days एक तो बड़ा सा लंबा वो अकेले में रहता था। तो अभी जब वो समझ में आ गया, उसको सब लोग ये करना चाहिए, उसको कभी भी मीन्स आइसोलेट करना नहीं चाहिए। आइसोलेट करने से नहीं तो उसका मेंटल जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा बात है कि फैमिली में भी कोई कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक जो हम लोग का क्राइसिस हो रहा है, बहुत आदमी लोग का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत लोग का कुछ कुछ रोजी जो है होता था वो भी है गया, तो इसके लिए फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो भी आप लोग एक काम कर सकता है, कोई कोई आदमी जो अच्छा खेती करता है, अच्छा ही करता है, वो घर में ही कर सकता है, घर में ही करके घर में ही वो सब ये करना चाहिए, निकलना चाहिए। ये सब हम लोग कभी भी मीन्स हम लोग निगेटिव में नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ ही हम लोग का अभी जो मैंने चल रहा है, ये सब चीज़ को हम लोग जितना भी हम लोग का निगेटिव चीज़ है ना, हम लोग उसको पॉजिटिव में करना चाहिए। तो इसमें सर ये देखा जाता है कि काफ़ी सारा कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो उसमें देखा जाता है कि कोई फेल होने से भी तो काफ़ी सारा लोग डिप्रेशन में चला जाता है। और खासतौर पर अभी जो है फिलहाल कितने दिन से जो एग्जाम्स दे के आया है, काफ़ी लोग अपने घर में वापस आ गया, तो उसका एग्जाम भी खराब हो जाता है। कोई कोई किसी का, हर किसी का नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता है। तो उसमें से फिर एक तरफ से एक लॉकडाउन चल रहा है, एक तरफ से घर से नहीं निकल पा रहा, उसको काफ़ी लोग इसके चिंतित में वो पीछे में चला जाता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? नहीं, स्टूडेंट्स का बारे में ये होता ना, सुनिए, सब स्टूडेंट का एक एक अंदर में उसको एक तो ही है, टैलेंट है, वो हिडन टैलेंट अभी निकलना चाहिए। कोई कविता लिखता है, पोएम लिखता है, वो पोएम लिख सकता है। कोई स्टोरी राइटिंग करता है, वो स्टोरी राइटिंग करना चाहिए। कोई आर्ट करता है, उसको आर्ट करना चाहिए। मीन्स डाइवर्ट योर सेल्फ टू सम अदर एक्टिविटीज़, मीन्स तुम लोग का अंदर में जो टैलेंट है ना, वो निकलना चाहिए। मीन्स ऐसा होता है, हम लोग अभी देखा है, आप लोग तो टीवी में भी देख रहा है, कोई के घर में क्या कैसा डांस भी दे रहा है, कोई कोई गाना भी गा रहा है, ये सब तो सब टीवी में ये कर रहा है ना। तो ये टैलेंट को अभी निकलना चाहिए, क्योंकि जब
क्लास चल रहा था, जब स्कूल चल रहा था, तब क्या होता वो टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि स्कूल में जाता था, उसका बाद आकर ट्यूशन में जाता है, तो ये सब इसको टाइम नहीं मिलता है। तो अभी जो टाइम मिल रहा है वो ये सब करना है, क्योंकि और एक बात है कि मोबाइल में ज़्यादा ध्यान मत देना, नहीं चाहिए, कम देना चाहिए। और इफ़ समवन इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग, कुकिंग में है कर वो भी कर सकता है वो सब करके, क्योंकि एक तो निशा है, तो ये सब करने से आराम भी मिलता है, कोई प्रेस करने से, अप्रिशिएट करने से अच्छा भी लगता है, तो ये सब में वो लोग ध्यान देना चाहिए। और कोई भी चीज़ निगेटिव में मत लेना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम का रिजल्ट भी निकल गया। कोई कोई तो सोच रहा है कि मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, मैं क्या करूँगा, क्या वो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम तो बार बार आते रहेगा ना, तो अगर इस टाइम कुछ ख़राब हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी उसका चांस है ना, वो अभी इसे पढ़ कर नेक्स्ट टाइम फिर दे सकता है। तो ये बात नहीं है कि हम लाइफ से हम ये हो गया, मीन्स डिप्रेस हो गया, हम अकेला हो गया, अभी मेरा जो मेरा साथ वाला था वो लोग भी चला गया, ये सब सोचना नहीं चाहिए। मतलब उसका जो रास्ता जो है वो एग्ज़ाम फेल होने से उसका जो सब दरवाजे बंद नहीं होता है, वो बात नहीं। और एग्ज़ाम इज नॉट दिस, 3 आवर्स में एक आदमी का एक करने से जजमेंट देना इतना नहीं सकता है, तो जजमेंट देना भी मीन्स अपने सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 आवर्स में एक लड़का को जजमेंट दे देता है, जैसे ये ऐसा है, ऐसा है, वो बात नहीं है, क्योंकि उसका उस टाइम में उसका थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसके लिए उसका ये हो रिजल्ट ख़राब हो सकता है, तो वो बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो अगले जो एग्ज़ाम आएगा वो हमें अच्छा कर देने से हो जाएगा। फिलहाल अभी अभी फिर से असम में गुवाहाटी सिटी में 14 दिन का फिर से लॉकडाउन कर दिया, और हमारे शहर में आप लोग असम में अभी 2 दिन मतलब वीकली लॉकडाउन होगा 2 दिन के, तो अभी लोग क्या करना चाहिए? एक्चुअली दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल माइंड्स ऑफ द माइंड सेट ऑफ द पीपल शुड बी चेंज्ड। क्या होता है, हम लोग का जो दे रहा है सिर्फ जे मास्क पहनना है, उसका बाद हाथ धोना है, उसका बाद हाथ धोना मीन्स साबुन से हाथ धोना है 20 सेकेंड्स, नहीं तो सैनिटाइजर से हाथ धोना है, उसका बाद सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज अगर हम लोग अच्छा से करेंगे ना तो ये लॉकडाउन का मामला तो नहीं आता है, क्योंकि ये सब चीज़ में जब हम लोग का ये वायलेट कर देंगे, ये सब चीज़ हम लोग नहीं मानेंगे, तो वो तो स्प्रेड तो हो गई डिजीज, ये वायरस तो इतना कॉन्टेजियस है और इतना फंस जाता है, तो इसलिए अगर हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग नहीं मानेंगे तो मीन्स स्प्रेड हो सके। और द एक्चुअली कम्युनिटी स्प्रेड होने का बाद लॉकडाउन डे देने से ये बात नहीं है कि फिर वो कम हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन देने से भी बाद में भी हम लोग ये जो 3 चीज है ना हम लोग मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ करने से ही अभी लॉकडाउन दे दिया इसलिए क्योंकि जो कम्युनिटी स्प्रेड और ज़्यादा ना बढ़े, जितना हो गया हो गया, उससे ज़्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए एक लॉकडाउन हमें कर दिया है अभी। और भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे सर, ये जो ये लॉकडाउन का वजह से या कोविड-19 का वजह से लोग कोई अपना आदमी है जहाँ दूर रहते हैं, जाना चाहते हैं फिर भी नहीं जा पाते हैं, कोई आना चाहते हैं नहीं जा आना जा पाते, तो उसका जो एक एक रिश्ता जो है एक जो एक सोच मानी सोच रिश्ता जो अपना जो अपनापन का रिश्ता जो है काफ़ी एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का एक अच्छा दोस्त है या वो सब नहीं मिल पाते, तो एक दूसरे का सब बहुत दिन से नहीं दिखा पाते, तो लोगों को काफ़ी सारा इसमें भी एक डिप्रेशन हो सकता है या कोई हॉबी है रहा तो उसका रिश्ता में काफ़ी तनाव निकल जाते, इसमें क्या करना चाहिए सर? इस पर क्या करना, मैं जो मोबाइल तो है ही ना, एक्चुअली इट इज़ रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन माने ऑल ऑफ अस नो, तो मोबाइल से तो सब हम लोग ये कर सकते हैं ना, वीडियो कॉलिंग भी कर सकता है, फ़ोन भी कर सकता है, इट्स नॉट दैट हम लोग इमोशनली हम लोग सेपरेट होना नहीं चाहिए,
जो हम लोग सेपरेट हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, हम उधर से उधर हम लोग जा नहीं सकते, उधर दूसरा बात है, लेकिन एक बात सुनना सही है, सोचना सही है कि हम लोग इमोशनली हम लोग दूसरा को अपार्ट कर दिया, हम दूर हो गया, ये बात नहीं सोचना सही, क्योंकि इसमें देखा गया है कि काफ़ी सारा यहाँ पे आप लोग में बाहर से लोग या कि इसके पकड़ लो गुवाहाटी में डिब्रूगढ़ में काफ़ी लोग यहाँ पे नौकरी करने आते हैं या अपना परिवार को छोड़ के आते हैं अपना रोजगार कुछ काम करने के, लेकिन वो लोग नहीं जा पाते क्योंकि ये जो कोविड नहीं की वजह से काफ़ी इस तरह से हमने देखा है ना, देखा है, इसलिए ये तो इसलिए होगा ही, क्योंकि ये बात नहीं है कि अगर मीन्स सिर्फ कोरोना ही है, मीन्स कोरोना ही नया आया है, ये बात नहीं है, उसका आगे में भी स्पेनिश फ्लू भी आया था, तो जैसा परिस्थिति होगा उसे हम लोग चलना पड़ेगा, तो अभी ये सोचना सही है कि हम लोग अच्छा दिन आएगा तो अच्छा दिन के लिए हम लोग तो थोड़ा तो रुकना ही पड़ेगा ना, सो ये तो निगेटिव नहीं लेकर इसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए, फोन करिए उसका बाद उन लोग का साथ ये रिश्ता बनाते रहिए, मिस इमोशनली, और एक बात है कि अगर कुछ भी ये प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करने के लिए उनका साथ एक, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करने से क्या होता है थोड़ा दिल भी हल्का हो जाता है, तो अपना का साथ अगर कोई बातचीत करने से तो दिल भी हल्का हो जाता है, तो ये करके रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि जो हम लोग का परिस्थिति हो रहा है जैसे हम लोग चल रहे ना ऐसे ही हम लोग चलना पड़ेगा, और एक दिन तो ये तो खुला गया, ये बात नहीं है कि हम लोग तो रोज दिन ऐसे ही चलना पड़ेगा, वो तो बात नहीं ना, एक दिन तो खुलेगा ही ना, कोई तो बार बार इसका जो समस्या का हाल निकालने के लिए हर रोज कोशिश कर रहा है। तो ठीक है सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, तो आखिरी बार आपसे हम वो जो फिर हम बात करेंगे इसके विषय में, सिर्फ डिप्रेशन में नहीं, काफी सारा ऐसा इश्यूज है जहाँ हमारे जिला में या कि हमारे पूरे देश में जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो एक ये लॉकडाउन का वजह से काफ़ी सारा बहुत सारा इश्यूज हुआ है स्कूल में, थोड़ी देर पहले जब शुरुआत किया था उस वक्त मैंने कहा गया था कि किसी का नौकरी जाने का वजह से, किसी को रोज़गार नहीं मिलने का वजह से, किसी का मतलब ऐसा बहुत सारा इश्यूज है उसकी वजह से लोगों का दिल में एक तनाव पैदा हो जाता है और क्या करें ना करें ऐसा हो जाते हैं, तो सर आपसे वही एक मैसेज लेना चाहेंगे, लोगों को क्या आप अपील करना चाहेंगे अभी का सिचुएशन में, और जैसे कि लोग और डिप्रेशन में ना जाए उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अभी तो सब उसका नेगेटिव साइड, नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव का बारे में दोनों बता दिया आप लोग को, तो मैं यही अपील कर सकता हूँ, ये लॉकडाउन चलते रहेगा, ये लॉकडाउन एक दिन तो बंद ही होगा, और मिस लॉकडाउन तो उठ जाएगा और उसका बाद आदमी लोग तो नॉर्मल सिचुएशन भी आ जाएगा, तो तब तक के लिए हम लोग का जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस है उसको मानकर हम लोग चलने से एक दिन ना एक दिन हम लोग तो सफल होगा ही, और ये डिजीज़ का भी जो हम लोग का डर पैदा करता है ना वो डर करना नहीं चाहिए, हम लोग अच्छा से रहना चाहिए, सबका साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, डिस्टेंस रिलेटिव का साथ वो इमोशनली बॉन्डिंग तो हम लोग रखना चाहिए, सो जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगा, तब फिर हम लोग एक काम फिर हम लोग अच्छा से ये चल सकेंगे। और कुछ भी बातें मतलब अगर कुछ कुछ ऐसा होता है सर, कुछ किसी को आप कुछ बोलना चाहते हैं फिर भी फैमिली को वो बात नहीं बोल पाती, ये भी खुल के बता सकते हैं, अब ये बात करना चाहिए तब जाके उसका जो प्रॉब्लम का कुछ कुछ चीज कहते हैं, मैं सोच लेता हूँ और मैं किसी को नहीं बता पाता, ऐसा भी बहुत सारा समस्या होता है, वैसे लोग जो है काफी सोच में पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप हम हमेशा ये हमारी जो ये जो टॉक शो है, हम और भी हम दूसरे दिन भी हम हमारे जो ककटी सर है, डॉक्टर ककटी सर है जो उसको भी हम बुलाएंगे, और ऐसा बहुत सारा इश्यूज में हम फिर से बात करेंगे नए नए बात लेके, और आज में हम आप सभी से विदा लेते हैं, लेकिन इसमें हम आखिरी बार एक सवाल एक छोड़ के जाना चाहते हैं, ये आपको आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले काफ़ी सारा ऐसा सजेशन दिया है जहाँ जिस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देना, खराब चीज़ को आप ध्यान नहीं देना चाहिए, जो जो खराब है उसी चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, अगर कुछ भी समस्या हो तो अपना फैमिली के साथ में आप ये बात शेयर कीजिए,
कुछ भी जो सवाल हो, जब आप क्योंकि आपका फैमिली कभी भी जो आपका जो आपका जो विचार है ये बात नहीं कहेंगे, जिसका ये गलत है ये सही है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन इसमें आप ये नहीं सोचना चाहिए ये इसको मैं बताने से, या अभी कोई किसी से भी आप ये सब दोस्तों लोगों के साथ भी ये जो आपका जो समस्या है जो प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो डिप्रेशन लॉकडाउन इस सब में काफ़ी सारा जो आखिरकार क्योंकि ये समस्या हो गई, लेकिन इसका समस्या का हाल ऐसा नहीं कि आपका कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा देरी रहिए, आप 2-3 दिन बैठ जाइए अपने घर में या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते रहिए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम का समस्या जो है एक दिन तो हल निकल होगा। समस्या है इसलिए प्रॉब्लम भी निकलता है, अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो समस्या कभी नहीं आएगा, अगर आप भूख नहीं लगेगा तो खाना भी कभी नहीं खाएगा, तो ठीक वैसा ही समस्या है तो उसका कहीं ना कहीं समाधान भी हो जाएगा। तो थैंक यू सर आप हमारे स्टूडियो में आए, और भी हम दूसरे दिन आपसे आपको हमारे टॉक शो में मैं आशा करता हूँ कि और भी आप हमारे शो में आएंगे और लोगों को अच्छे अच्छे बात कहेंगे, और ये जो तमाम जो इश्यूज है सिर्फ ये डिप्रेशन लॉकडाउन COVID-19 इसका बारे में नहीं, काफ़ी सारा ऐसा इश्यूज है नया नया जो हम लोग और भी लोगों को सिखा पाएंगे और हमें भी सीखने का मौका मिल सकता है। तो थैंक यू सर, मैं भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग ने हमको यहाँ निमंत्रण किया और इस लाइफ में और कुछ बोलने के लिए हमको मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।